अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है हमारे एक बहुत ही अच्छे और प्यारे प्यारे भाई, ये मुनव्वर भाई जो से गुराया व्लॉग वाले हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें सफ़ेद चने बनाना सिखाएं। तो आज हम अपने उन प्यारे और अच्छे अच्छे भाई की रिक्वेस्ट पर आज जो है सफ़ेद चने बना रहे हैं। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखना कि जो सफ़ेद चनों की रेसिपी है ये कैसे तैयार होगी। जी मामा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये देखें, मैंने ना एक चम्मच मीठे सोडे का डाल दिया, आधा किलो हमारे चने थे तो मैं ना इन्हें ना उबलने के लिए रख देती हूँ, ठीक है। तो ये ना प्याज है, दो मैंने लिए बड़े बड़े से, इनमें ना मैं तेल डाल देती हूँ अंदाजे से, ठीक है। तो तकरीबन दो चम्मच हम लोग कह सकते हैं कि दो टमाटर इसमें पड़ेंगे, आधा चम्मच मिर्च का दादरी का, आधा पिसा हुआ, आधा जीरा, चम्मच एक चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी का। तो बहुत ही सिंपल से मसाले हैं ये। आज जो हम आपको सफ़ेद चने बनाना सिखा रहे हैं उसके हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल जो चने हैं उनको ओवरनाइट हम लोगों ने भिगो दिया था। भिगोने के बाद हम लोगों ने उसके अंदर जो है मीठा सोडा तकरीबन एक चम्मच वो डाल दिया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये किया कि एक तरफ हम लोगों ने चने बॉईल होने के लिए रख दिए, दूसरी तरफ हम लोगों ने आपसे सारे जो है इंग्रेडिएंट्स ये शेयर कर लिए कि हम लोगों ने प्याज लिए दो, और उसके बाद ये जो स्पाइसेस हैं और ये टमाटर है जो हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखना है कि आज की जो से हमारी मज़ेदार से सफ़ेद चनों की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। और उम्मीद करते हैं कि जो से हमारे मुनव्वर भाई हैं उनकी रिक्वेस्ट पे आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं तो उनको भी पसंद आएगी और वो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर देंगे कि उनको ये जो हमारी सफ़ेद चनों की रेसिपी है वो कैसी लगी है। चने पकने लगे हैं तो अब ये ना मैं दूसरे चूल्हे पर रख दूँगी, मैं इधर ना प्याज करने लग जाऊँगी ब्राउन, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले स्टेप में जो है वो चने बॉईल कर लिए हैं, ठीक है। अभी ये उबलेंगे, पक रही है यहाँ पर, और हम लोग इसके साथ ही टाइम ज़ाया किए बगैर जो हमारे प्याज है जो हमने आप लोगों को दिखाए, आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आपको पता होगा। ये वाले ना जाग सी आती ना, ये उतार देनी आपने, ठीक हो गया। तो ये भी एक मतलब ट्रिक समझ रहे हैं आप लोग, एक हमने आपको बता दी है, टिप दे दी कि आपने जब चने बॉईल करने हुए जो ऊपर झाग आए इसको आपने रिमूव कर देना है। तो हम लोग प्याज ब्राउन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो सी आज हमारी मज़ेदार सी सफ़ेद चनों की रेसिपी है वो कैसी तैयार होगी। तो व्यूवर्स, यहाँ पर जो से है वो प्याज हमने ब्राउन होने के लिए रख दी है। कुकिंग ऑयल हम लोगों ने तकरीबन 2 टेबल स्पून के अंदर शामिल किया है और हम लोगों ने इसको लाइट कलर देना है। जो अभी हम लोग इसको ब्राउन कर रहे हैं, लाइट का कलर देंगे तो आप लोगों ने कहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है। हाँ जी, आके हमें फरमाइश की थी ना, उनकी फरमाइश ज़रा थोड़ी सी लेट हो गई है, तो इसलिए कि इसके पापा की तबीयत तो आपको पता ही है ख़राब है। तो कल भी हम डॉक्टर के गए थे, कल भी हमने वीडियो नहीं डाली, इसलिए ना तो थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए ना हम माजरत करते हैं जी। तो हमसे रिक्वेस्ट की लेकिन थोड़ी सी देर हो गई रिक्वेस्ट पूरे करते हुए, तो वो आपको बता दिए कि मसरूफियत है क्योंकि डॉक्टर के भी जाना आना होता है, घर में गेस्ट भी आ जाते हैं। तो आज हमने सोचा था कि उनकी फरमाइश पे आज हमने ये काम ज़रूर करना है, तो पहले भी काफ़ी लेट हो गया था तो आज हमने कहा इंशाल्लाह ये आप पक रहा है, हम दिखाएँगे आज वीडियो में। मतलब सफ़ेद चनों की जो रेसिपी आज हमने लाजमी आपके साथ शेयर करनी थी, तो हम लोग सोचते थे लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, मसरूफियत थी और कुछ दिनों से मतलब हम लोगों ने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, कल हम वीडियो भी अपलोड नहीं कर सके थे, तो इसलिए आज हम लोगों ने कहा कि आज ये लाजमी हमने रिक्वेस्ट जो है वो पूरी करनी है। हाँ, ये मैंने लहसुन डाल दिया, लहसुन अदरक पीसा हुआ, यहाँ पर जो है चनों का मसाला तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, तो चने हम लोगों ने बॉईल होने के रखे हुए हैं, वो बॉईल हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो चनों का मसाला वो तैयार कर रहे हैं। तो प्याज आप लोग व्यूअर्स देख सकते हैं कि हम लोगों ने भी तो लाइट सा कलर दिया, ज़्यादा हम लोगों ने इसको ब्राउन नहीं करना। और उसके बाद हम लोगों ने इसी स्टेज पर इसके अंदर जो लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 चम्मच हम लोगों ने वो शामिल कर देना है, और जो हम लोगों ने 2 अदर टमाटर आपको दिखाए थे वो हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा जो सा हमारा मसाला है चनों का, वाइट चने जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो तैयार हो जाएंगे।
तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो उनसे हमारी आज के सफ़ेद चनों की रेसिपी है वो पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी लोगों की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर कोई आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बनाना सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको वो सिखा देंगे। आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा किया जा सके। हाँ, ये पानी डाल दिया मैंने थोड़े से ना, ये प्याज हो जाए 5 मिनट तो फिर पकाया दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बस 5 मिनट के लिए हम लोगों ये जो प्याज और टमाटर हैं इनको पकने के लिए रख रहे हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है। 5 मिनट के बाद हम आपको दोबारा दिखाते हैं कि जो सी मज़ेदार सी सफ़ेद चनों की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। व्यूअर, जब हम लोगों ने इसके अंदर जो से नमक मिर्च वो सब कुछ शामिल कर दिया है, इसके बाद अब हम इसके अंदर ये सूखा धनिया डालने के बाद माशाल्लाह खुशबू बहुत इसकी ज़बरदस्त आना शुरू हो गई है। वैसे भी मसाले की जो भुनाई की खुशबू है वो एक अपनी ही खुशबू होती है, तो लेकिन जब हम लोगों ने इसके अंदर सूखा धनिया डाल दिया तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये जो है वो खुशबू आना शुरू हो गई है। तो मसाला जो सा है यहाँ पर वो तैयार हो गया है, इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सी जो ग्रेवी सी हम लोगों ने चनों की वो तैयार कर ली है। अलग से चने वहाँ पे बॉईल हो रहे हैं, उनको हम बॉईल कर रहे हैं, और वो जो मिर्चा सोडा डाल के हमने उनको पकने के लिए रखा हुआ है, तो अब हम लोग उसके अंदर शामिल कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा ये घी निकल आया ना, तो अभी हम लोग यहाँ वेट करें कि जो सा हम लोगों ने इसके अंदर घी शामिल किया था वो थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाए, जो हमारी ग्रेवी है। तो उसके बाद जो उसके अंदर चने हैं हम लोग वो शामिल करेंगे। तो फाइनली व्यूअर, जो सी हमारी आज की मेन रेसिपी है चनों की, हम लोगों ने वो चने बॉईल कर लिए हैं, पका ली हैं, मीठा सोडा डाल के हम लोगों ने इनको पकाया है। और हम लोगों ने एक तरफ चने बॉईल कर लिए, उनको पका लिया, उनको तैयार कर लिया। उसी तरफ हम लोगों ने जो सा है उनका मसाला, हम लोगों ने क्योंकि ग्रेवी वाले चने आपको बनाना सिखाए हैं तो हम लोगों ने उसकी जो ग्रेवी है वो तैयार कर ली है। जब ग्रेवी तैयार हो गई, फाइनल हो गया, उसके ऊपर तेल आ गया, हम लोगों ने नमक मिर्च के अंदर शामिल कर दिया। तो उसके बाद जो हम लोगों ने चने जो बॉईल किए हुए थे हम लोगों ने वो उसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो इस तरह ये जो हमारे मज़ेदार से ग्रेवी वाले चने हैं वो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और हमें बताएँ कि जो से हम लोगों आज आपको सफ़ेद चने ग्रेवी वाले बनाने सिखाए हैं मज़ेदार मसालेदार, ये आपको कैसे लगे हैं। ये थोड़ी देर ना पकने के लिए रख देते हैं ढक्के से। ठीक है, तो व्यूअर्स हम लोग उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा ढक कर पकाते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो गए। तो ये व्यूअर आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो से हमने चने पकने के लिए रखे थे वो हमारे यहाँ तैयार हो गए। तो इसको हम लोग डिश आउट कर रहे हैं। ग्रेवी वाले जो से हमारे चने हैं वो हम लोगों ने आज आपको बनाने सिखाए हैं, सफ़ेद चने ग्रेवी वाले हम लोगों ने आज तैयार किए हैं। और ये जो थी आज की रेसिपी, ये हमारी रिक्वेस्ट पे तैयार की गई है। और ये जो हमारे मुनव्वर भाई यानी कि जो गुराया ब्लॉग वाले हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ग्रेवी वाले सफ़ेद चने बनाना सिखाएं, तो आज हमने उनकी रिक्वेस्ट पर ये जो सफ़ेद चने हैं ये बनाए हैं। और ऊपर हम लोगों ने जो से हैं वो अंडे भी बॉयल करके रख दिए हैं। और वाह, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह दिखने में। उसको थोड़ा सा सही करके ना, हाँ अब सही है। और नान के साथ हम लोगों ने इसको सर्व किया है। ये जनाब अब इसकी फाइनल लुक और मज़ेदार सी ये जो सी हमारी वाइट चनों की रेसिपी है, जो ग्रेवी वाले चने हैं ये तैयार हो गए हैं। बहुत ही उम्दा लग रहे हैं ये, ज़रा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। और साथ हम लोगों ने इसके नान रखे हैं, नान के साथ हमने इसको सर्व किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी रेसिपी है जो हमने आप लोगों को सिखाई है वो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें और हमें बताएं कि जो रेसिपी हमने आपको सिखाई है वो आपको पसंद आई। और अगर आती है पसंद तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये इसका फाइनल लुक है, ऊपर अंडे बॉईल किए हुए रखे हुए हैं, हरी मिर्च के साथ इसको गार्निश किया है और गर्मा गर्म साथ यहाँ पे नान है। तो बिना देर किए हुए अब हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं क्योंकि मेरे मुँह में पानी आ गया इसको देख कर। इतनी मज़ेदार सी जब रेसिपी सामने हो, गर्मा गर्म नान हो, गर्मा गर्म सालन हो और अंडे बॉयल करके ऊपर रखे हों, हरी मिर्च के साथ गार्निश किया हो, तो फिर सब्र कहाँ होता है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आप लोगों के लिए दुआ गो, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।